गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके हिंदी फर्स्ट से बहादुर नाम का हम कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आज हम जानेंगे। बच्चों ये बहुत ही हिम्मत वाली लड़की की कहानी है जिसका नाम ममता है। ओडिशा एक स्थान है जहां पर एक बनकल नाम का गांव था। उस गांव में ममता के पापा अपनी पूरे परिवार के साथ रहते थे। बनकल गांव में ममता के परिवार में ममता की मम्मी, उनके पापा, एक उनकी असंति नाम की बहन और ममता रहते थे। उनके घर के पास एक तालाब रहता था। उस तालाब में अक्सर वहां के बच्चे नहाने जाया करते थे जिसमें ममता और असंति भी अक्सर जाया करते थे। एक दिन की बात है, ममता और असंति दोनों तालाब के पास नहाने गए हुए थे। ममता की जो बहन असंति थी ये 2017 की घटना है, सन 2017 की घटना है, और ममता की जो बहन है वो तालाब में खेल रही थी। तब तक उसके पैर के नीचे कुछ खुरदरी चीज दिखाई दी। ममता की बहन असंति अभी कुछ समझ ही पाती कि अचानक एक बड़े से मगरमच्छ ने उसके पैरों को अपने जबड़े में दबा लिया। ममता ये देखकर हैरान हो गई। असंति जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ पल के लिए तो ममता को बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें और क्या न करें। वहां पर ममता भी छोटी बच्ची थी, उसकी मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में आया, उसने जोर से असंति का हाथ पकड़ लिया। मगरमच्छ असंति के पैर को अपनी तरफ खींचता और ममता उसके हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींचती और जोर जोर से चिल्लाती रही। बहुत देर तक इसी तरह का वाकया चलता रहा और ममता की आवाज सुनकर उधर से गुजरते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा और दौड़ते हुए तालाब के पास गए और इस आश्चर्यचकित दृश्य को देखकर वो सारे हैरान रह गए। हालांकि ममता इतनी बहादुर थी कि वो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करी कि जो मगरमच्छ है वो असंति के साथ साथ उस पर भी हमला बोल सकता है। ममता की इस बहादुरी के आगे उस मगरमच्छ के घुटने टेक गए। मगरमच्छ हार मान गया। जब तक गांव के लोग आगे उसकी सहायता करते तब तक ममता के पैर को मगरमच्छ छोड़ दिया था और गांव वालों की मदद से ममता ने अपनी बहादुरी से असंति को बचाया और पास के हॉस्पिटल में ले जाकर के मरहम पट्टी लगाई। ममता की बहादुरी की बात सुनकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद से 26 जनवरी 2018 को इस वाक्या के लिए ममता को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया और उसका नाम पूरे देश में फैल गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो हमें अपनी बहादुरी को और वर्चस्व को रखना चाहिए और बहादुरी से काम लेना चाहिए।